कौन सी वाली लस्सी पसंद है, प्लेन वाली या फ्लेवर्ड वाली? कोई सी भी लस्सी पसंद हो, डजंट मैटर, क्योंकि आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने मेरे यूट्यूब चैनल फूड जासूस पे प्लेन लस्सी और फ्लेवर्ड लस्सी दोनों का ही रिव्यू करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है अमूल लस्सी वर्सेस ब्रिटानिया का मैंगो फ्लेवर्ड लस्सी। तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस है भी या नहीं। अगर हम प्राइस की बात करें तो 15 रुपए का आता है ये 200 ml का पैक अमूल लस्सी, लेकिन अगर हम ब्रिटानिया लस्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये 180 ml का पैक है जो 20 रुपए का है। दोनों ही लस्सी है, यानी कि दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट है। अगर हम अमूल लस्सी की बात करें तो इसमें टोन मिल्क दही इस्तेमाल किया गया है, और अगर हम ब्रिटानिया की बात करते हैं तो इसमें भी कर्ड लिया गया है जो 45% है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अमूल में जो दूध लिया गया है, यानी कि जो दही की मात्रा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटानिया। ये कहाँ से मुझे पता चला ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मुझे पता चला कि अमूल में ज्यादा मिल्क की क्वांटिटी है। दोनों में ही वाटर मिलाया गया है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप दही से लस्सी बनाते हैं वो थोड़ा फ्लोई होना चाहिए। दही बहुत थिक होता है तो लस्सी बनाने के लिए हमें थोड़ा वाटर ऐड करना होता है, विच इज टोटली फेयर। अगर हम फ्लेवर की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर रोज का मिलाया गया है, लेकिन अगर हम ब्रिटानिया की लस्सी की बात करें तो इसमें 9% मिलाया गया है मैंगो पल्प, क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है तो विच इज इम्प्रेसिव कि इसमें मैंगो का पल्प एक्चुअल में मिलाया गया है। नेक्स्ट अगर हम स्टेबलाइजर की बात करते हैं तो लस्सी में बस एक स्टेबलाइजर मिलाया गया है जिसका नाम है 440, विच इज नॉट हार्मफुल एट ऑल फॉर हेल्थ। लेकिन अगर हम ब्रिटानिया की बात करें तो इसमें 5 तरह के स्टेबलाइजर मिलाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि इन 5 स्टेबलाइजर का कोई हार्मफुल इफेक्ट है कि नहीं हमारे बॉडी पे। तो इसमें जो यहाँ पे थिक लिखा गया है इसका ये मतलब है कि जो स्टेबलाइजर है इसको एक यूनिफॉर्म थिकनेस देता है, एक टेक्सचर देता है, ताकि आपको ये लस्सी पीने में कोई भी ऐसे लंप ना आए और एकदम यूनिफॉर्म टेक्सचर रहे, तो टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए मिलाया गया है। अब हम ये जानते हैं कि जो 4 स्टेबलाइजर मिलाए गए हैं तो उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट है या नहीं हमारी बॉडी पे। पहला स्टेबलाइजर है 466, यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसे हम कॉमनली सेलुलोज गम भी कह सकते हैं। सेलुलोज गम एक तरह का फाइबर ही है, लेकिन अगर हम इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है। अगर परमिसेबल लिमिट में है तो ऐसे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा स्टेबलाइजर मिलाया गया है 451, यानी कि एक तरह का मिनरल सॉल्ट होता है ये, और ये जो स्टेबलाइजर है इस प्रोडक्ट को अच्छे से इमल्सीफाई करके रखता है ताकि सारे पार्टिकल्स आपस से जुड़े रहे, पानी और दही बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए, और ये जो मिनरल सॉल्ट है बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है हमारे शरीर के लिए। तीसरा स्टेबलाइजर है 331, यानी कि ट्राई सोडियम सिट्रेट। ये जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है हमारे बीपी के साथ इन्वॉल्व रहता है, जो जिनको हाई बीपी है उनको इसलिए ये प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सोडियम उनके लिए अच्छा नहीं होता है। और जो लास्ट में मिलाया गया है 415 और 440, ये दोनों भी पॉलीसेक्राइड्स है, यानी कि नेचुरल गम है, जो एक लिमिट में लिया जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे बॉडी में ये फाइबर का काम करता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है तो हमारे स्टमक को अपसेट कर सकता है। अगर हम एसिड रेगुलेटर की बात करें तो अमूल लस्सी में कोई भी एसिड रेगुलेटर मिला हुआ नहीं है, जबकि ब्रिटानिया वाले में एक एसिड रेगुलेटर मिलाया गया है जिसका नाम है 330, और ये भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर हम फूड कलर की बात करते हैं तो क्योंकि ये प्लेन लस्सी है इसमें इसको कोई फूड कलर नहीं मिलाया गया है, लेकिन क्योंकि ये मैंगो लस्सी है तो इसका कलर थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए इसमें मिलाया गया है। 2 तरह के फूड कलर्स मिलाए गए हैं इसमें। पहला फूड डाई का नाम है 110, जो इसको एक येलो कलर देने का काम करता है, पर हाँ इस फूड कलर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि रात को उनको नींद नहीं आएगी, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे कंस्ट्रक्टिव की जगह, और एक जगह शांति से बैठ के अगर आप चाहते हैं कि वो पढ़ें तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि स्किन में प्रॉब्लम कर सकता है, और तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि आपके स्टमक को भी अपसेट कर सकता है। जो दूसरा कलर इसमें मिलाया गया है वो है 160B। 160B एक नेचुरल फूड कलर ही है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप एलर्जिक हैं तो ये आपके लिए वर्स है, इसलिए आप कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज उसके फूड लेबल को जरूर देखें, इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखें कि उसमें क्या मिलाया गया है और किस चीज से आप एलर्जिक हैं। अगर हम दोनों में शुगर की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ चीनी है।
अगर हम अमूल की बात करें तो 100 ml में 12 ग्राम चीनी है, यानी कि 24 ग्राम चीनी इतने छोटे से पैक में मिलाया गया है। अगर हम ब्रिटानिया की बात करें तो इसमें अराउंड 11 ग्राम चीनी है, बस एक आध ग्राम की चीनी का डिफरेंस है इन दोनों प्रोडक्ट में, विच इज नॉट एक्चुअली अ डिफरेंस। अगर आप न्यूट्रिशन टेबल में दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में कितना न्यूट्रिशन है, तो चाहे एनर्जी हो, प्रोटीन हो, फैट हो, हर चीज में जो है अमूल लस्सी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटानिया। इसी बेसिस पे मुझे पता चला है कि अमूल लस्सी में ज्यादा दूध इस्तेमाल किया है और पानी की मात्रा कम है एज कम्पेयर टू ब्रिटानिया। अगर हम शेल्फ लाइफ की बात करें तो आप अमूल को 180 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और ब्रिटानिया को 150 दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आप लस्सी इस वजह से प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, तो मैं बता दूं इन दोनों ही पैक में कोई हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी तरह का बैक्टीरिया होता तो ये इतने लंबे टाइम तक प्रोडक्ट चल ही नहीं पाता, ये अंदर से खराब हो चुका होता। वैसे देखा जाए तो दोनों मोर और लेस एक जैसे ही प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे एक चीज जो ब्रिटानिया में अच्छी नहीं लगी है वो है फूड कलर। इसमें जो फूड कलर मिलाया गया है विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बाकी अगर फूड कलर के अलावा बात करते हैं तो मोर और लेस दोनों एक जैसे ही हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा लस्सी पसंद है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि एक्चुअल में दो प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा वाला उनके लिए ज्यादा हेल्दी है। आप फूड जासूस को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। आप मुझे इनफैक्ट पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasoos.mera.link पे। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरा फेवरेट लस्सी कौन सा है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं कभी भी पैग लस्सी नहीं पीती हूँ क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स कम होता है और प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। इस वजह से मैं घर पे ही लस्सी बना के पीती हूँ, विच इज बेस्ट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।